छह नए निवेशकों व रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम के हाथों भूमि आवंटन का पत्र मिला। गीडा में उद्योग लगाने को निवेश प्रस्ताव देने वाले क्यान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को 20 एकड़, तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 5.5 एकड़, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर्स ओपलवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड तथा बुद्धा मेडिकल ट्रस्ट के प्रमुखों प्रतिनिधियों को 5.5 एकड़ भूमि आवंटन पत्र का वितरण सीएम योगी के हाथों हुआ। इन नए निवेशकों की तरफ से कुल 1,005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके माध्यम से करीब 2700 नए रोजगार का सृजन होगा। योगी सरकार की पहल पर गीडा के भीटी रावत सेक्टर 26 में 25 एकड़ भूमि पर 101 भूखंड का गारमेंट क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसमें 56 भूखंडों के आवंटन पत्र जारी किए गए। इनमें से 5 भूखंड के उद्यमियों को भी मुख्यमंत्री के हाथों आवंटन पत्र प्राप्त हुआ। रेडीमेड क्लस्टर के इन सभी भूखंडों पर करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 1500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस तरह सीएम योगी की मौजूदगी में रविवार को गीडा में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 4200 नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद आदित्य मोटर के राजू जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है और अब गीडा का विकास होने जा रहा है। उसमें 5 एकड़ का प्लाट हमने भी लिया है और इसमें करीब 300 से 400 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं स्टार हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर विजाहत करीम ने बताया कि जितना काम 22 साल में हुआ है उससे दुगना काम योगी आदित्यनाथ के सरकार में हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री को, जिन्होंने गोरखपुर को नई दिशा में लाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं राजेश पांडे ने बताया कि गोरखपुर के विकास के लिए यह बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 150 लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे बढ़िए और अच्छा कार्य करिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टार हॉस्पिटल के चेयरमैन विजाहत करीम, उद्यमी राजेश पांडे व आदित्य मोटर्स के चेयरमैन राजू जायसवाल ने कहा, 4306 करोड़ की गारमेंट क्लस्टर पार्क खोजी उद्योग के आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर अमलों से किया जाता हुआ। तत्पश्चात श्री इमरान अहमद जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएंगे। भीड़ी रावत सेक्टर में गारमेंट मीडर के क्षेत्रफल में इनके लिए निवेश। तत्पश्चात श्रीमती कुसुम जायसवाल इस निवेश के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। मैसर्स एक्टिव एंटरप्राइजेज एलएलपी द्वारा श्री विजहर करीम जी 961 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवंटित 1.20 करोड़ की निवेश के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसके पश्चात श्री रोहित छापरिया जी 20 एकड़ के क्षेत्रफल में 702 करोड़ का निवेश इन्होंने जनपद गोरखपुर के लोगों के लिए प्रतिध्वनि के साथ इस निवेश के लिए हम सभी आपको सादर धन्यवाद देती है। आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से प्राप्त करते हुए प्योर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के तत्पश्चात मैसर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करें। मैं प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल निदेशक महोदय 5 एकड़ के क्षेत्रफल में 118 करोड़ का तत्पश्चात तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राकेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आए। 5.5 एकड़ में 105 करोड़ रुपए का निवेश आज के इस आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात हम आमंत्रित करेंगे क्वार्ट ओपलवेयर से श्री रविंद्र अग्रवाल जी एवं श्री राजीव अग्रवाल जी को। 5 एकड़ में क्षेत्रफल में कुल 50 करोड़ का निवेश गोरखपुर के जनमानस को रोजगार देने के लिए आप लोगों के द्वारा किया गया है। आप इस निवेश के लिए आवंटन पत्र को और युवाओं से अनुरोध है कि तालियों के और 20 करोड़ रुपए का निवेश उन्होंने आज अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए 5 एकड़ के क्षेत्रफल में श्री राजकुमार जयसवाल
डॉक्टर आर ए अग्रवाल जी से बन गए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी का और गोरखपुर के लिए बहुत ही सुंदर दिशा महाराज जी ने शुरू की है। हम समझते हैं कि पिछले 5 साल में जितना काम हुआ है उससे दुगना काम अब इस दिन के कार्यकाल में होगा। पूरी उम्मीद है गोरखपुर के खासतौर से महाराज जी का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा वरदान है। कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, जॉब मिलेगा और रेगुलरिटी रहेगी, लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की, कानून व्यवस्था कायम रहेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। हम लोग यहाँ पर गीडा सेक्टर 26 में नॉन ओवन फैब्रिक के लिए आवंटन पत्र महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर गोरखपुर के विकास के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग यहाँ पर लगभग में 150 लोगों को रोज़गार देंगे, 150 परिवारों को एक रोज़गार मिलेगा, इसके लिए हमने गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट किया है। महाराज जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर आप लोग आगे बढ़िए, प्रोत्साहन उन्होंने किया है कि आगे बढ़िए, अच्छा करिए और जहाँ तक रहेगी सरकार हर संभव मदद करेगी, सब हर प्रयास करेगी। राजू जायसवाल, आदित्य मोटर्स, गोरखपुर। हाँ, आज आवंटन पत्र मिला महाराज जी, पूजनीय महाराज जी के हाथों से। जी, बहुत बहुत अच्छा पहल है और गोरखपुर के लिए और गीडा का बहुत सारा विकास होने जा रहा है। उसमें हम लोगों ने भी एक 5 एकड़ का प्लाट लिया है जिसमें करीब 300-400 लोगों का रोज़गार मिलेगा और फैब्रिकेशन का काम हम लोगों ने शुरू कर रहा है और महाराज जी ने बोला है कि कोई अड़चन नहीं आएगा और ये पहल बहुत अच्छा है हम गोरखपुर के लिए, हम गोरखपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार गोरखपुर में मिलने जा रहा है और ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है।